ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे हैं और संडे के दिन हम मिठे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज तारीख है 24 फरवरी 1988। आज की तारीख है 1 अगस्त 2021। आज का टाइटल है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप के सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। वह यह कहे, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई। इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आश रहती है बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली है, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना, किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम बच्चे का भी वही नाम है। कौन सा नाम है? विश्व कल्याणकारी, यही नाम है ना आप सबका? विश्व कल्याणकारी यही हमारा नाम है। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप है, दिव्य ज्योति स्वरूप। जो बाप के गुण हैं वही बच्चों के भी गुण हैं। तो बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है, लक्ष्य तो सभी का यही है ना। सन्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हैं, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव, यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए
बाबा को छोड़ के चले गए, यज्ञ छोड़ के चले गए। कोई कोई ऐसे भी है जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर, जिंदा है लेकिन ना के बराबर, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का वरदान भी आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है, छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हैं, तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती ना उठने बैठने की, खाने पीने की, चलने फिरने की। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से या डर से लोकलाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव, आपके संतान हैं? बाबा पूछ रहे हैं। दो चार बच्चे नहीं पैदा किए हैं, संतान भव का वरदान है ना। दो चार बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब रचना अपनी लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, बेहद के मास्टर रचयिता बनना, यह बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता है। हद के नहीं, जो दो चार जिज्ञासु हमने बनाया यह मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना शुभ कामना रहती है। रचना की रचना के प्रति यही भावनाएं रहती है। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकती। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है, ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करते हैं। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं, सो ब्यूटीफुल। बाबा ने हमें बहुत सारे सुंदर ब्लेसिंग्स कैसे अनलिमिटेड हो सकते हैं बेहद के, वो बाबा ने हमें बताए हैं। इसको ही कहा जाता बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिए हैं। वरदान मिले हैं ना या अभी मिलने हैं? जब कोई वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ
वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी विधि सबसे सहज और श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे, स्मृति सो समर्थि, और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान है। 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो यह चेक करो, सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। वरदानों को कार्य में लगाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। गॉड्स ब्लेसिंग कहते हैं ना, इसको परमात्मा ने दिया हुआ है वरदान है, सहज है इसको। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती है तो बाप से वरदान ही मांगती है। आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते, तो क्या बोलते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, हमने इतना योग लगा सकते हैं, आप जैसे धारणा नहीं कर सकते हैं, बस खाली हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख दो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। बाबा का हाथ है कौन सा है, श्री मत, श्रेष्ठ मत। स्थूल हाथ तो 24 घंटा नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं रहती। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, डिफिकल्ट शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं हो क्या होता है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये मेरे लिए पता नहीं, ये बोझ लग रहा है। बाबा कहते ऐसी भाषा नहीं होगी उनकी। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चिंत निश्चित विजय अनुभव करना। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होता, ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज अच्छी है, यह बात करनी है, ये नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है,
उनको नेचुरल अटेंशन रहता है, यह खाना है ये नहीं खाना है, ये करना है ये नहीं करना है, हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि ये करूँ या नहीं करूँ, ये खाऊँ या नहीं खाऊँ, ऐसे चलूँ या नहीं चलूँ। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है, ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइंड स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। नॉलेज की लाइट माइंड यथार्थ रूप से यथार्थ विधि से चलाती हैं। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनने चाहते हो, लेकिन बनने चाहते हो नंबर वन, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता है। टेंशन से हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। जो बनना चाहते हो वो बनने नहीं देता, और टेंशन टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो और ही टेंशन बढ़ता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज़्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं और कोई तो बिल्कुल ही आलबेले बन जाते हैं। जो होना होगा सो हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है कौन सुनता है, तो न वह अच्छा न ये अच्छा है। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, यह अनुभव करें, सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है। इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती है कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, आप वरदानों से पलते उड़ते चलो। बहुत पुरुषार्थ किया, बाबा कहते हैं अभी उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात है। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ है, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है, हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए। बाप की नज़र में हर एक की विशेषताएं हैं, और कुछ देखते भी नहीं देखते, जानते भी नहीं जानते हैं, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेंगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती, सदा उठने वाली वरदानी आत्माएं हो। याद रहे, हम सदा उठने वाली वरदानी आत्माएं हैं। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं, शक्तियां शिकार करती है, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है ना। अगर लाने वाले नहीं लाए तो शिकार क्या करेंगी। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियाँ एग्जाम्पल बनी और उनके एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने, इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। समय प्रमाण, आवश्यकता प्रमाण जब हम सेवा करते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है, बल भी मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती है उसका भी बहुत बल मिलता है। दुआएं कहेंगे ना हम इसको।
जो अनुभवी आत्माएं हैं उनके सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना दी है उनको देखकर सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप दादियाँ कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे, चरित्र सुनाओ, बाबा की कहानी सुनाओ। दादियाँ तो सुनाती रहती थी, हमने देखा है, सुना है, चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा का अनुभव करने वाले सदा हर कदम सहज पार करने वाले सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएंगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह को नष्ट करने के लिए हद को बेहद में परिवर्तन करें। आज का स्लोगन है, ऐसे तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। अच्छा, ओम शांति।